हेलो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। गोर छू के गोर रखा था नहीं तो रहुआ लोग कैसन बानी जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों सांझ का टाइम है, रात हो गया है और यहाँ पे बड़ा सा बल्ब बड़ा लग नहीं रहा है कि रात है। और दोस्तों यहाँ पे आगे की बढ़ गया है तापने के लिए, मतलब तापने के लिए नहीं दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो मच्छर बहुत तेज लग रहे थे इसीलिए। तो दोस्तों यही सब बात है। और आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, रोज़ वीडियो हमारा देखिएगा। और मेरी सुहानी का बार बहुत जल्द उतरेगा तरकुलान। तो दोस्तों अभी घर द्वार नहीं साफ हुआ है, अभी होगा मतलब डूबा हुआ है, तो मतलब करेंगे हम लोग साफ। गाड़ी उड़ी है तो हटा नहीं सकते हम लोग, तब हटेगा तब साफ होगा। और तारीख डेट रखा जाएगा कि इतने तारीख को बार उतरेगा। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा और नया नया देखने को भी मिलेगा। नहीं मम्मी, तभी ना मालूम चलेगा क्या क्या होगा। एक नया बेबी भी आएगा। और सुहानी का दोस्तों साल भीतरा बार भी उतरवाना है। सुहानी को 21 तारीख को 11वां महीना लग जाएगा। अभी मैं आपसे मिलवाती हूँ सुहानी को। तो देखिए दोस्तों यही है सुहानी, ऐसे के होना है, बार उतरेगा तरकुना हो जाएगी मेरी बेटी चंडू। तो आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहिएगा और मेरी बेटी के लिए प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा और बताइएगा मेरी सुहानी कितना पतली हो गई है। दोस्तों देख सकते हैं बीमार से, दोस्तों एक बीमारी जाता नहीं एक बीमारी आ जाता है मेरी बेटी का। उधर मयाक का दवाई करा रही थी और इधर दोस्तों फूका निकल गया, फिर बुखार हो गया और दोस्तों फिर कपार भी निकल गया, हाथ में भी है, इसीलिए परेशान रहती है मेरी बेटी। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, धंधोड़ा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मम्मी घास छिल रही थी, दुबा है वही छिलने के बाद दोस्तों सिलाएगा बहुत जल्द, सिलाएगा माटी मिलता नहीं, बिना टाली का मिलेगा नहीं, टाली का माटी गिरेगा तभी मिलेगा। बहुत बह गया, इतना उच्च था, तो दोस्तों सफैया होगा नवरात्र के बाद, क्योंकि मेरी सुहानी का उतरेगा बार, उसी में होगी सफैया और हम लोग करेंगे सफैया। मैं नहीं करूंगी, मेरे हस्बैंड करेंगे पूरा जो साफ होगा। दोस्तों मम्मी को आधा मच्छर उठा ले गए दोस्तों, उसी में मम्मी लगाएंगे लिट्टी और हम लोग खाएंगे। तीन लोग हैं, चलो पिसान सारा को, तीन पतो हैं, तीनों लोग खाएंगे, मम्मी लगाएंगे। सही बात है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे बढ़ गया है, लिट्टी लग सकेला और मम्मी लगाएंगे। हम लोग तीन पतो हैं, मम्मी लाला देती है, हम लोग खाते हैं, तो मम्मी लिट्टी लगाएंगी, अब हम लोग खाएंगे। अब यही रह गया है ना, सास बना के पतों को देंगी तभी ना निकल गया खाने में। जवाना आयल बा, जवाना आयल बा, तब का पतो रही, अब का पतो है, खटिया पैठ के चला में इट को है, सास से बर्तन मसा, ससुर से चूल पोतवा तो दोस्तों ये सब बात है। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मेरे बेटी का बहुत जल्द बार उतरने वाला है तरकुलहा। तारीख डेट नहीं रखाया है लेकिन नवरात्र बाद मैं बार उतरवाऊँगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं वीडियो बनाई हूँ, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और सुहानी के लिए भगवान से दुआ करिएगा कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और जो मेरा बेबी है वो भी ठीक रहे और मेरी मतलब पूरी फैमिली ठीक रहे। दोस्तों मम्मी पापा सब लोग, जितने लोग हम घर में हैं सब लोग, पूरी परिवार हम लोग का ठीक रहे, भगवान से ये दुआ करिएगा। दोस्तों देखिए मेरी बेटी ऐसी हो गई है, कितना मोटी थी एकदम दुबला कर पतली हो गई है। तो दोस्तों जब मेरी बेटी का बार उतर जाएगा उसके बाद मेरी बेटी का मतलब थोड़ा सा दें उधरे के जाना है। तो दोस्तों मैं वीडियो के
यही पेंट करती हूँ। देख सकते हैं मेरी बेटी मेरे पास आने के लिए रो रही थी। और दोस्तों खाना भी बनाना, अभी खाना नहीं बना है, तो आप लोग बने रहिएगा पूरा वीडियो में। और मेरी सुहाने के लिए प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो रोज देखिएगा हमारी बेटी का। मैं वीडियो के ही पेंट करती हूँ। बाय बाय।